मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपके बीच में हैं औषध के साथ, और बायोमोलेक्यूल्स जैव अणु के अंतर्गत ये आता है औषध ड्रग्स। मानव अपने शुरुआत समय से ही जो परेशानियों को महसूस किया, शारीरिक परेशानियों को, उसको दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहा। आरंभ में जड़ी बूटी का उपयोग करता था, उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ा, तकनीक बढ़ा, विज्ञान तरक्की किया, वैसे वैसे दर्दों को, रोगों को दूर करने के उपाय ढूंढे जाने लगे। इसी क्रम में रासायनिक पदार्थों का उपयोग होना शुरू हुआ, तो उन्हीं रासायनिक पदार्थों को जो दर्द को दूर करने के लिए, जो रोग को दूर करने के लिए हम उपयोग करते हैं, उसे औषध कहते हैं। सामान्य शब्दों में यही कह सकते हैं, औषध में दीर्घकाल लगा ले, औषधि यानी औषधि, औषध का अध्ययन, औषध का होता है उसका अर्थ, औषध शब्द का, ड्रग्स का होता है ये रासायनिक पदार्थ है। कैसे रासायनिक पदार्थ है? कम अनुद्रव्यमान के हैं और इनका जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो बृहत आणविक होता है। उसके साथ यह क्रिया करते हैं अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य होता है किसी के साथ, दो शब्द से बना, अन्य अन्य यानी किसी दूसरे के साथ आपकी जो क्रिया होगी वह क्रिया को कहते हैं अन्योन्य क्रिया। तो कम अनुद्रव्यमान के औषध होते हैं जो बृहद आणविक लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, और एक ऐसा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं जिससे जीव को राहत मिलती है, रोगों से उपचार मिलता है। ध्यान में रखना, ऊर्जा का काम है रिएक्शन करके, केमिकली रिएक्शन से शरीर को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। तब औषध के बाद हम दूसरा बात, जिस पूरे इस क्लास में विशेष रूप से हम जो प्रमुख पारिभाषिक पद है इसको देखेंगे, और उसमें है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में घुलित ऑक्सीजन की मिलीग्राम में मात्रा होती है। मिलीग्राम में कौन सी मात्रा है? जो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विघटित करने के लिए जो आवश्यक है, और वो कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो ध्यान रखना है, 5 दिन तक, पहला 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल में घुली कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए मिलीग्राम में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में घुलित कार्बनिक पदार्थ को विघटित करना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विघटित करना है, 5 दिन तक विघटित करना है, और मिलीग्राम में ऑक्सीजन की मात्रा है। शुद्ध जल के लिए BOD 0.3 ppm के मध्य होती है, 0.3 ppm कहने का है पार्ट्स पर मिलियन। ppm सांद्रता मापने की इकाई है, जिसका जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल फॉर्म होता है। COD है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कार्बनिक व्यर्थ पदार्थों के अलावा जल में घुली ऑक्सीजन से क्रिया कर लेने वाले अन्य रासायनिक पदार्थ को COD कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों के अलावा, अभी ऊपर में उन्होंने कहा कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है BOD है, और कार्बनिक पदार्थ के अलावे जो पदार्थ हैं उसमें जो जल में घुली है उनको ऑक्सीजन से क्रिया कर देने वाले जो पदार्थ, जो दूसरे पदार्थ बनेंगे उसको हम लोग कहते हैं COD। अगला हमारा ज्वर नाशक। ज्वर नाशक, ज्वर को बुखार कहते हैं। स्वाभाविक है, शरीर का टेम्परेचर जब सामान्य से बढ़ जाता है तो व्यक्ति को कहा जाता है कि वह व्यक्ति बुखार में है। प्रायः 97.4 डिग्री फॉरेनहाइट के आसपास होता है, लेकिन 98 डिग्री तक अगर अब उसे बढ़ना शुरू हो गया शरीर का टेम्परेचर, तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति बुखार में ग्रस्त है, अर्थात शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो शरीर के बढ़े हुए टेम्परेचर को यानी ज्वर को कम करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसी को कहते हैं ज्वर नाशक, एंटीपायरेटिक्स। पायरेटिक्स, पायरेट शब्द जब लगा हो तो इसका अर्थ होता है उच्च ताप, पायरोलिसिस, उच्च ताप पर किसी चीज को तोड़ना, तो पायरेटिक्स में एंटी लगा दीजिए। एंटी पायरेटिक्स का अर्थ होता है टेम्परेचर को कम करना, यानी पायरो शब्द का उपयोग होता है, प्रीफिक्स पायरो से ही लिखा गया, तो पायरो का मीनिंग होता है उच्च टेम्परेचर से जुड़ा। तो पायरेटिक्स का, एंटीपायरेटिक्स का अर्थ होता है रोग को कम करने वाला। अब इसमें जनरली जो दवा इस्तेमाल किया जाता है पारासीटामोल है, फिनासिटीन है। 12 के परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछता है, एक
ज्वरनाशक का नाम बताएं तो पारासीटामोल ध्यान में रखना हमको, फिनासिटिन है। पूर्ति रोधी, शरीर में जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो आपको हानि पहुंचा रहे हो, इनका अगर विकास हो रहा है तो उसके विकास को रोकने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए, विकास को रोकने के लिए या बढ़ने को कम करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिरोधी। प्रतिरोधी होता है वो सूक्ष्म जीवों का विनाश एवं उनकी वृद्धि रोकने में सहायक होते हैं। सामान्य प्रतिरोधी जिसका जैसे हम लोग एक इस्तेमाल करते होंगे डिटॉल का, डिटॉल लिक्विड का भी इस्तेमाल करते होंगे, डिटॉल साबुन का भी इस्तेमाल करते होंगे, यह दो प्रकार के प्रतिरोधी से बना हुआ होता है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल से। वहीं दूसरे जो हम लोग देखेंगे प्रतिरोधी तो बाइथायोनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, प्यूराटिसिन, ये सब कुछ प्रतिरोधी हैं। सोफ्रामाइसिन भी एक प्रतिरोधी है। अब हमारा पीरा हाई, पीरा का अर्थ होता है दर्द। तो जब व्यक्ति दर्द में हो तब जो दवा उसको दिया जाता है उसको हरने के लिए, दर्द को हरने के लिए, लेकिन ध्यान रखना है दर्द को हरने के लिए दवा दी दिया जाए और वो कोई दूसरा दर्द पैदा कर दे तब उसे दर्द, तब उसे हम नहीं कह सकते हैं दर्द हरने के लिए आया था और दर्द देके चला गया दूसरा, इसे नहीं कह सकते। पीराहारी में प्राय वैसे रासायन दिए जाते हैं, वैसे रासायनिक पदार्थ दिए जाते हैं जो व्यक्ति की चेतना को छिन्न ना करे, जो व्यक्ति में कोई दूसरे प्रॉब्लम्स पैदा ना करे, व्यक्ति के किसी अंग को प्रभावित ना करे। अब बिना किसी अंग को प्रभावित किए, बिना चेतना शून्य किए हुए अगर किसी के शरीर में किसी अंग में होने वाले दर्द को कम करने के लिए कोई दवा दी जाती है और उसको कर पाने में सक्षम होता है तो उसे हम कहते हैं पीराहारी। दर्द को कम कर देता है, समाप्त कर देता है, परंतु ध्यान में रखना है यह दूसरा प्रभाव नहीं डालता है, यानी यह किसी, यह ना तो व्यक्ति को की चेतना को यानी बेहोश नहीं होने देता है और उसका काम करता है। जैसे इसमें एस्पिरिन, मॉर्फिन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें इसके बाद है हमारा प्रतिजैविक, नाम ये एंटीबायोटिक्स। शरीर में जो बैक्टीरियल जो डिजीज होंगे यानी बैक्टीरिया का जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रम में अवरोध करके आपके अंदर जो शरीर में बैक्टीरिया पहुंच गया और वो अपना विकास करेगा उसको कम करना या उसको मार देना, इससे आपके शरीर में होने वाली बीमारी यानी बैक्टीरियल डिजीज को कम करने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जीवाणुनाशी, एक होते हैं जीवाणु निरोधी। नाशी साइटल और निरोधी एस्टेटिक। साइटल, साइटल मतलब मारने वाला, नाश करने वाला, कहीं भी साइट लगा हो लास्ट में अगर सफिक्स के रूप में तो हम समझ लेंगे कि वह मार देता है। सुसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, कहीं भी साइट का अभिप्राय होता है मार देना। तो जो जीवाणुनाशी एक साइडल टाइप होते हैं और दूसरा होता है एस्टेटिक, बढ़ने नहीं देते, ये क्या करते हैं जीवाणु का नाश कर देते हैं। जीवाणु निरोधी क्या करते हैं जीवाणु को शरीर में बढ़ने नहीं देते हैं। दोनों प्रक्रिया से आप बैक्टीरिया जनित रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने शरीर में। अगर उसकी मात्रा को बढ़ने नहीं देते हैं तो बीमारी स्थिर रहेगा, अगर बढ़ चुका है उसको मार देते हैं तो बीमारी खत्म हो जाएगा। तो जीवाणुनाशी में जीवाणु का नाश करते हुए पेनिसिलिन है, एमिनो ग्लाइसोसाइड है, अफ्लोक्सासिन है। अब आप जानते होंगे पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में की थी। कई बार पूछता है पेनिसिलिन के खोज करता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जीवाणु निरोधी में अगर हम बात करेंगे तो एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लोन, क्लोरामफिन, क्लोरामफिनिकॉल, ये सब है। अगला हमारा आयोडीन टिंचर। पूछता है आयोडीन टिंचर किसे कहते हैं। इथानोल में तैयार आयोडीन का एक तनु विलयन है। कैसा विलयन है इथानोल में, यानी इथानोल यहाँ विलायक है, आयोडीन को भुलाया गया है। आयोडीन की कितनी मात्रा तो 2% से 3%, अर्थात कहने का सेंस है कि अगर हम इथानोल के सोल्यूशन में 2 से 3% आयोडीन को भुला लेते हैं, इथानोल C2H5OH इसमें 2 से 3% आयोडीन हो तो हम उसको कहते हैं आयोडीन टिंचर। और इसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति का ताजा घाव है, अभी जिसको बहाया उहाया गया है, जिंदों के घाव को धोने के लिए जो इस्तेमाल होता है, डॉक्टर इस बराया जब उसका सर्जरी उर्जरी करने वाले होते हैं तो उसको साफ करते हैं, धोते हैं, तो जिससे धोया जाता है, यानी
और भी है, लेकिन आयोडीन क्लिंजर का इस्तेमाल भी किया जाता है ताजे घाव में उसको धोने के लिए, उसके लगाने के लिए मुख्य प्रबल एंटीसेप्टिक है ताजे घाव के लिए। उसके बाद हमारा प्रति अंग नाम है एंटासिड। जब हम शरीर भोजन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आमाशय में जाकर के हमारे शरीर में जो भोजन का डाइजेशन होता है तो उससे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और अचानक पेट में दर्द या अन्य सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, अर्थात हमें अम्लीयता की स्थिति आ जाती है। तो अम्लीयता की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, यानी शरीर में जो अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, शरीर में अम्ल की मात्रा यहाँ पर आशय है आमाशय में, यहाँ पाचन की क्रिया हो रही है, वहां पर जो बढ़ जाए तो पेट दर्द, एसिडिटी और गैस की समस्या पैदा हो जाती है। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए जो दवा दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंटा एसिड। नाम है एंटा एसिड्स, दो शब्दों से बना है, एंटी एसिड्स अम्लीयता को कम करके उसको नियंत्रित कर देता है और नियंत्रित कर देता है, पीएच स्तर को बढ़ने से रोक देता है, पीएच स्तर को थोड़ा सा पीएच स्तर जो काफी गिर जाता है उसको थोड़ा बढ़ा देता है। पीएच लेवल जब काफी, जितना जैसे पीएच लेवल गिरता जाएगा इसका अर्थ है कि आपके अंदर अम्ल यानी आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ते जा रही है, तो उसको कंट्रोल करता है और उसके लेवल को थोड़ा बढ़ाता है। प्रशांतक नाम ही है शांतक, इसको ऐसे समझ ले शांत कर देने वाला। आपके मस्तिष्क में बहुत तरह के तनाव हो जाते हैं, अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, प्रायः डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन में पड़कर व्यक्ति धीरे धीरे निरंतर कुछ चीज सोचते जाता है, उसे मानसिक तनाव पैदा होता है। तो उन मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो दवा दी जाती है इसमें दो कार्य यह करता है, एक तो नींद लाना, ये कोशिश इसकी होती है कि व्यक्ति जो मानसिक रूप से ग्रस्त हो तो उपचार है कि उसको गहरी नींद आनी चाहिए, तो वो कोशिश करता है कि वो उसको नींद आए, और दूसरा है उसके अंदर एक बोध कराता है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, एहसास पैदा करना, अनुभूति पैदा करता है। अर्थात इसमें यह दो कंसेप्ट में काम करता है, एक गहरी नींद आए और दूसरा एहसास हो कि यू आर इन राइट डायरेक्शन। मनुष्य डिप्रेशन का शिकार कब होता है, जब आप मानसिक तनाव में कब होता है, जब आपको लगता क्या है कि शायद सब कुछ मेरे विरुद्ध चल रहा है, सारा चीज मेरे विपरीत हो गया है, बहुत कुछ मैं खो दिया हूं। तो ये दवा का दो उद्देश्य होता है, आपके अंदर सुखद अनुभूति कराना, गहरी नींद पैदा करना, मानसिक तनाव वाले रोगों को दिया जाने, मानसिक तनाव कम करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको प्रशांतक कहते हैं। क्लोरडाइजेसाइड, मेट्रोबोमेट, ये सब है, यह नींद की गोलियों का आवश्यक घटक है। जो भी नींद की गोली दी जाती है समझ जाइएगा कि उसमें निश्चित ही प्रशांतक होता है, चिंता को दूर करता है, तनाव को कम करता है, और तनाव चिंता ये सब ही डिप्रेशन के कारण होते हैं। ये था हमारा औषध से जुड़ी हुई प्रमुख बातें। बहुत बहुत धन्यवाद।